मैं दीदी लोग के साथ आया था सिलीसेट लेक। ये है सिलीसेट पे बना हुआ होटल और रेस्टोरेंट, और मेरे पीछे है सिलीसेट लेक। तो अभी हमारा प्लान है बोटिंग करने का। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी मैं आया हूँ समोसा कचौड़ी लेने, क्योंकि आज हमारे घर पे आ रहे मेहमान। ये वही मेहमान है जो कि अम्बाला में मैं जिनके घर रुकने वाला था, आज वो अलवर घूमने के लिए आ रहे हैं। तो सुबह सुबह उनको हम खिलाएंगे कन्हैया स्वीट्स की कचौरी और समोसा और कलाकंद भी। तो लेते हैं कलाकंद, ठीक है आधी किलो कर, गरम गरम डाल दो भैया। ढेर सारी कचौरियाँ, पांच कचौरी, कितना फिर भी फिर अभी 8 रुपये चलो कचौरी कर दो, 8 कर दो। मैं दीदी लोग के साथ आया था सिलीसेट लेक। ये है सिलीसेट पे बना हुआ होटल और रेस्टोरेंट, और मेरे पीछे है सिलीसेट लेक। तो अभी हमारा प्लान है बोटिंग करने का। कितना देर से तो सबसे पहले बच्चों के साथ आप नहीं देखते हुए ना दीदी, नहीं वैसे भी फिर भी क्या दिखा रहे हैं, क्या चल रहा है बताते रहे बीच में कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, उसमें समझ में क्या आ रहा होगा। हमने तो पहले दो पार्ट देखे थे, तो मतलब ये कैसी स्टोरी है, ये कहाँ से है। चल रहा है क्या पेट्रोल से चल रहा है, कितना एवरेज देता है ये, 1 लीटर में कितना चलता है, 2-3 राउंड फिर तो सही है। पर 15 मिनट में इतना, वो वाला पेडल वाला क्यों नहीं है यहाँ पे, बोट ज़्यादा है मगरमच्छ यहाँ पे सेफ्टी के लिए। ये जो हमारी बोटिंग थी, ये बोटिंग थी 15 मिनट की, 800 रुपये में 8 की कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा नहीं बैठाते। अब 8 से चाहे 2 बंदे हो लेकिन 800 रुपये लगेंगे, ये फिक्स है इनका 15 मिनट का राउंड। मैंने और मेरी मम्मी ने और दोस्त लोगों ने मिलके ये बोटिंग करी, बट मैं अभी अभी कश्मीर में डल लेक में बोटिंग कर आया, पर उसमें ज़्यादा मज़ा है, इसमें बिल्कुल मज़ा नहीं है। बैठ जाओगे, राम राम से आओ, चलो 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 आराम आराम से चलो, पसीना पसीना तो हो गया है, गर्मी है। आंटी जी लेकिन आपको भी चलना चाहिए था वोटिंग के लिए, उसके पापा नहीं जाते, पिछली बार गए ना। मैं कह रही मैं झूले बैठ के बीच में बेचारों को सबका झूला ऐसे ही सब। हम आए थे कार से, अभी कार से जा रहे दूसरी लोकेशन पे, गरबा जी, जहाँ पे एक वाटरफॉल है। मैं 4 साल पहले गया था, वहाँ पे पानी है कि नहीं है वो तो वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगा। बाकी बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है, पूरा पसीना पसीना हो गया अंदर का टी शर्ट। तो मम्मी और आंटी जी बैठेंगे मेरी कार में, बाकी दीदी लोग बैठेंगे दूसरी कार में जिन कार से वो आए थे। तो चलो चलते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं गरबा जी, झरना बह रहा है, ठीक ठाक है। जब मैं आया था 4 साल पहले तो पानी तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन भीड़ यहाँ पे इतना ज़्यादा होगा ये मुझे नहीं पता था। तो थोड़ा और आगे चलते हैं, आ जाओ।
पूरा पत्थरों पे चढ़ के जाना होगा भाई यहाँ से। तो लोग नहा रहे, इतना जोर जोर का चिल्ला रहे, क्या ही बताऊँ मैं। बट मुझे नहीं लगता 10 मिनट से ज़्यादा हम यहाँ रुक पाएंगे। रीज़न ये है, एक तो क्राउडेड है, ऊपर नीचे की जो हालत है वो बहुत बेकार है, तो उस साइड तो हम जा नहीं सकते जहाँ पे वाटर फ्लो है। हम सोच रहे थे सीढ़ी से थोड़ा ऊपर जाएं, बट यहाँ से हम वापस नीचे जा रहे हैं। मैंने अभी मम्मी लोगों को छोड़ दिया है मार्केट, क्योंकि वो अब करने वाले शॉपिंग। पहले प्लान ये था कि उनको जाना था बाला किला, फिर बाला किला कैंसिल हो गया, शॉपिंग ज़्यादा ज़रूरी है बाला किला, तो फिर कभी देखना हो जाएगा। तो सब मार्केट में है, मैं अभी जा रहा हूँ कुलदीप के पास, वहाँ बैठूँगा। जब उनका काम कंप्लीट हो जाएगा वो मुझे फ़ोन करेंगे, मैं उनको लेने जाऊँगा, फिर वहाँ से हम सीधे जाएंगे घर और बाकी बातें करेंगे जब मैं घर पहुँच जाऊँ। जोरदार लग रही है, तो यहाँ पे मैं खाने वाला अभी इडली सांभर। इडली सांभर आ चुका है, अब खाते हैं। जब से मैं घर आया हूँ मम्मी ने एक ही चीज़ मेरे लिए खाने में नहीं बनाई है, वो है इडली डोसा और सांभर। यही चीज़ की कमी रहेगी, इसलिए मैंने बाहर आज ही ऑर्डर कराया है। बोलूँगा एक दो बार और कि मम्मी बना दो, क्योंकि मम्मी के हाथ का इडली डोसा अलग ही लेवल पर। देखते हैं कब होता है सब। मैं अभी सोच रहा हूँ कि घर चले जाऊँ, क्योंकि मम्मी का फ़ोन लग नहीं रहा है, वो अभी मार्केट में है। घर जाता हूँ, रेस्ट करता हूँ, अगर फ़ोन आया तो मैं लेने चला जाऊँगा, अदरवाइज़ मम्मी कह रही थी कि वो ई रिक्शा में बैठकर आ जाएंगी घर पे। तो चलो घर चलते हैं। कल है 15 अगस्त 2021, और अभी तक मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है कि कल के इंडिपेंडेंस डे में हमें करना क्या है। एक फ़ोन कॉल तो आया था मेरे दोस्त का, उसने बोला था कि रणथंभौर जाना है, लेकिन अभी तक मेरा कैमरा आया नहीं है, तो रणथंभौर तो मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि यार पूरा जो भी वीडियो बनने वाला है वो सारा कैमरे के थ्रू बनता है, लेकिन वही कैमरा मेरा ख़राब है, तो वो तो हो नहीं पाएगा। आसपास की कोई भी जगह जो है वो हम देखने जाएंगे। अब वो देखते कि मैं और विजय भैया जाएंगे या हमें दोस्त लोग ज्वाइन करेंगे। अभी मैं अपने घर वापस पहुंच चुका हूं। आज मेरे दो काम पेंडिंग फिर से रह गए। मुझे जाना था अपना इंश्योरेंस लेने और हेलमेट देखने। अब ये काम तो मैं कल करूंगा। आज पूरे दिन मैंने कार चलाई है, और कार चलाते वक्त तो वीडियो नहीं बना सकता था, क्योंकि आंटी आगे बैठी थी, मेरी मम्मी पीछे बैठी थी, तो बातें करते करते हमारा सफ़र चल रहा था, और जहां मैं रुक रहा था वहां मैं वीडियो बना रहा था। दीदी लोगों का पता नहीं, वो आज यहां पे रुकेंगी या आज रात को ही वापस गुड़गांव जाएंगी, ये तो उनके आने के बाद पता चलेगा। आज के वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। ये मेरा थर्ड व्लॉग था। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे मेरे वीडियोस के बारे में आपको पता चल जाए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जस्ट गो एंड एक्सप्लोर व्हेन वी कैन। बाय बाय। बाकी कल है 15 अगस्त 2021, बाकी बातें कल के वीडियो में।